सावधान। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वैजायाणम नमो लोए सवसामूणम वंदितु सवसिद्धे धुवमचल्मणो ममंगरिं पते वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुद केवली मणिनम सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवरते। ग्रंथाधिराज समय सार जी आश्रव अधिकार पर चर्चा चल रही हमारी, अब यहां बतलाते हैं कि ज्ञानी के उन आश्रव भावों का अभाव है। तो किन आश्रव भावों का अभाव है? कि अज्ञान में जो अनंतानुबंधी मिथ्यात्व सहित के जो रागादि भाव है उसका ज्ञानी को अभाव है। गाथा का पाठ एक साथ सब लोग करेंगे। सदे दृष्टि को आश्रव नहीं नहीं बंधे आश्रव रोधे नहीं बांधता जाने पूर्व निबद्ध जो सदाविषे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पूर्व अवस्था थी अज्ञानी, तब अज्ञानी की अवस्था में सम्यक दृष्टि अपने आप को कर्ता अनुभव करता था कि ज्ञाता अनुभव करता था? कि पूर्व दशा में था तो वो ज्ञाता ही, सम्यक दृष्टि पूर्व दशा में था तो वो ज्ञाता ही, लेकिन अपने आप को कर्ता अनुभव करता था। और जैसे ही उसने अनुभव किया मैं तो कर्ता नहीं, मैं तो मात्र ज्ञाता ही हूं। जैसे आप लोग टीवी सीरियल देखते हो, पिक्चर देखते हो या नाटक देखते हो, पुराने जो कुर्सी वाले हैं आजकल के जमाने में, हालांकि टीवी तो देखा ही होगा और जो नहीं देखे वो तो चौथे काल वाले, लेकिन आपने नाटक तो देखे होंगे। जैसे स्वामी जी नाटक देखने जाते थे, अपने बचपन की घटनाएं बताते स्वामी जी। अब उस समय की घटना को याद करें तो स्वामी जी कौन सा नाटक की बात करते हैं? अनसुया का नाटक, राजा हरिश्चंद्र का नाटक। अब अपन हरिश्चंद्र को यहां फिट करते हैं, टीवी सीरियल को बाद में देखेंगे। अब हरिश्चंद्र का नाटक, अब नाटक तो सबको पता होगा। अब हरिश्चंद्र के नाटक में पहले बढ़िया राजा 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 हरिश्चंद्र का पात्र आया, मैंने वही राजा हरिश्चंद्र का दृश्य दिखाया, तो वहां जय जयकार हो रही है, बढ़िया ठाट फाट, ये सब ठाट बाट देख करके जितने भी सभा के दर्शक है उस दृश्य को देख करके सबकी मुद्रा कैसी हो जाती? प्रसन्न, ठाट बाट, कितना बढ़िया जय जयकार, बढ़िया ड्रेस, सेवक देख के सब प्रसन्न हो जाते। अब दूसरा दृश्य समझो कि जब वो उसका खुद का ही बच्चा मर जाता है और वो स्मशान में काम करता हुआ दिखाई देता है दूसरे दृश्य में, अब क्या होता है कि उसकी माँ उस मरे हुए बच्चे को लेकर के आती है और कहती है इसको दाह संस्कार, अग्नि संस्कार करना है। अब वो कहता है कि मैं तो बिना टैक्स, माने कर कर लिए बिना तो ये करने नहीं दूंगा, उसका आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब ऐसा माने माँ के पास पैसे नहीं देने के लिए, अब खुद का ही बच्चा आया है वहां पर अग्नि संस्कार के लिए, अब वो तो कह रहा है मैं तो न्यायप्रिय राजा हूं, राजा हरिश्चंद्र, अब मैं बोले राजा तो कहने की बात है, वो तो उस टाइम पे जो दशा थी वो तो सबको पता है। अब वो दृश्य देख करके जितने भी दर्शक थे नाटक को देखने वाले कैसे होंगे? भावुक हो गए, एकदम भावुक हो गए, मैंने
कई लोग तो ऐसे ही भावुक होते हैं दृश्य देख करके कितने रुमाल गीले कर देते हैं। अब उस दर्शकों की जो यहां पर परिस्थिति है उसमें देखा तो एक महिला उस दृश्य को देखकर के भावुक नहीं, सारे लोग भावुक हो गए और बोल रहे कैसी दशा, कैसी दशा, करुण दृश्य। अब वो एक महिला भावुक नहीं हुई, पर आजकल की भाषा में कहे तो पॉपकॉर्न खा रही थी। जैसे मूवी देखने जाते तो पॉपकॉर्न खाते ना, वैसे पॉपकॉर्न खा रही थी और प्रसन्न दिख रही थी। तो बूढ़ी अम्मा बोली क्यूरी तेरे आंखों में पत्थर पड़े, इतना ऐसा दृश्य आया तो तेरे आंखों में आंसू नहीं आए, सब लोग रो रहे तेरे आंखों में आंसू नहीं आए। तो वो महिला बोली आपको भले ही आंसू आते हो लेकिन हम तो जानते हैं ये तो हमारे पप्पू के पापा। अब वो क्या जान रही है उस नाटक के अंदर कि ये तो पप्पू के पापा है। ऐसे ज्ञानी ये जितना भी सब चल रहा है उसको क्या जानता है, समय सार की भाषा में कहो तो स्वांग रूप जानता है। और जो स्वांग रूप जानता है उसको उस दृश्य को देख करके राग द्वेष के परिणाम होंगे कि नहीं होंगे। राजा का दृश्य देख करके राग नहीं और वो करुण दृश्य देख करके भावुक नहीं, दोनों परिस्थिति में वो महिला क्या देख रही थी, ये तो मेरे पप्पू के पापा है। ऐसे ज्ञानी पूर्वबद्ध जितने भी कर्म हुए हैं जो कुछ भी परिणमन हो रहा है उसका मात्र अपने को ज्ञाता ही अनुभव करता है, करता नहीं, करता अनुभव माने अपन जो भावुक हो जाते हैं तो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, माने अटैच हो जाते हैं। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो या मैच देखते हो, मैच तो सबका फेवरेट होगा, मैच के अंदर बहुत एकदम सीरियस मैच चल रहा है, अब लास्ट बॉल बाकी है, 6 रन जीतने के लिए चाहिए और धोनी ने बल्ला उठा दिया या आपका जो भी फेवरेट हो विराट कोहली, अब बल्ला उठा दिया, बैट उठा दिया और बॉलर भी एकदम बॉलिंग करने के लिए तैयार है कि अगर ये बॉल चूक गई और इसने सिक्स मार लिया तो हार जाएंगे, वो भी तैयार है, बैट्समैन भी तैयार है। और जैसे ही वो बॉल लेकर के आ रहा है अब सारे दर्शक जो घर में बैठे हैं स्टेडियम में बैठे सब टकटकी लगा करके अब वो उस दृश्य को देखने के लिए तैयार कि अब क्या होगा। लेकिन जो एकदम अटैच हो जाते हैं वो क्या करते हैं, जैसे उसने बॉल फेंका बॉलर ने तो वहां वो जितने भी दर्शक हैं टीवी घर में देख रहे हैं वो क्या बोलते हैं, धोनी सिक्स सिक्स सिक्स। अब धोनी वहां पर सुनने वाला है, घर पे आप लोग करते हो जैसे धोनी सिक्स सिक्स, धोनी वहां सुन रहा है नहीं सुन रहा है, और जो स्टेडियम में बैठे बैठे कर रहे धोनी सिक्स सिक्स आपकी सीट से वहां तक आवाज जा रही है नहीं जा रही। अब जो होना है वो फिक्स है, सिक्स मारना है कि नहीं मारना है कि डॉट बॉल जाना है सब फिक्स है, लेकिन हम सिक्स सिक्स हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अज्ञान में भाव के कारण करता फेरफार करने की जो बुद्धि है कर लेंगे। जैसे कई बार सीरियल में होते सास बहू की सीरियल समझो, सास कुछ लेकर के आई ट्रे में या कोई नेगेटिव रोल वाला और उसमें जहर डाला हुआ है, किसी को मारने का प्लान बताया बनाया, अब वो प्लेट लेकर के आई और जैसे ही वो सीधा सोवर एकदम पात्र जो है उसके अंदर वो जैसे ही जहर वाला ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाए और जैसे ही वो हाथ बढ़ा रही थी उतने में आप लोग की क्या आवाज, अरे ये नहीं वो ये नहीं, अब वो तुम्हारा कहां सुनने वाली, ये ग्लास चूज करो कि वो करो, हमको कैसा करता भाव हो जाता है ऐसा कर ले वैसा कर ले, वहां कोई कुछ नहीं सुनने वाला। जैसे टीवी के स्क्रीन पर दृश्य चल रहा है वहां तुम्हारा कुछ फेरफार हो नहीं सकता, ऐसे तुम्हारे ज्ञान की स्क्रीन पर जो भी ये झलकते हैं उसमें तुम कुछ फेरफार नहीं कर सकते। लेकिन कर्ता भुक्ता मानने वाला फेरफार करने की बुद्धि रखता है, इसलिए उसके अज्ञानमय भाव है। और ज्ञानी हर परिस्थिति में अपने आप को ज्ञाता रूप अनुभव करता है, इसलिए उसका ज्ञानमय भाव है, क्योंकि उसको लगता है मैं पर में कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो मात्र ज्ञाता ही हूं, पूर्वबद्ध कर्मों का भी ज्ञाता हूं, वर्तमान में जो परिणमन हो रहा है उसका भी ज्ञाता हूं और आगे भी जो होगा उसका भी ज्ञाता हूं। इसलिए ज्ञानी को नया आश्रम खड़ा नहीं होता, अज्ञान में भाव नहीं होते। तो यहां पर यह बात बताई कि ज्ञानी के ज्ञान में भाव है इसलिए उसको नए आश्रम नहीं होते। टीका को पढ़ते कल थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ लिया था लेकिन मेरा पेट नहीं भरा है।
वास्तव में ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से ही अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया? ज्ञानी के ज्ञानमय भाव से ही, किससे? ज्ञानी के, पहले किसके? ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से ही, किसके द्वारा? ज्ञानमय भावों के द्वारा अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध है, अवश्य ही निरोध होते हैं, किसके द्वारा? ज्ञानमय भावों के द्वारा। स्थूल दृष्टांत देता हूं पहले। जैसे पापा ने कहा बच्चे से कि बेटा पढ़ाई करना, खेलने मत जाना, आज परीक्षा नजदीक आ रही है, खेलने मत जाना, पढ़ाई करना। अब बच्चा तो किताब खोल करके बैठ गया, लेकिन दोस्तों से फिक्स हो गया था इतने बजे क्रिकेट खेलने जाएंगे, अब उसका भी मन तो था, लेकिन पापा ने कहा, तो अब पापा ने कहा मैं जरा दूध लेकर के आता हूं तो तुम पढ़ाई करो। अब वो पापा गए दूध लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए नीचे, और उतने में उसके फ्रेंड्स आए, चल भाई चल जल्दी क्रिकेट खेलने चल। फिर नहीं, पापा ने मना किया, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। अब दोनों फ्रेंड्स की बहस चल रही थी, जो भी चार पांच लोग आए थे बुलाने, चल चल चल, बहस चल रही थी। उतने में देखा दूर से कि पापा आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, चल भाई मैं जाता हूं, तू कर पढ़ाई, पढ़ाको पढ़ाई कर। अब जैसे ही पापा को देखा तो जो खेलने वाले मित्र थे उनका क्या हो गया? निरोध। ज्ञानमय भाव के द्वारा, पता है इसके पापा हिटलर है, बहुत एकदम स्ट्रिक्ट है, इनके सामने अपन खड़े रहे इसकी तो आज खैर नहीं, मैंने उसको तो आज पढ़ाने के लिए बिठा दिया है, अगर हम रुके तो हमारी भी खैर नहीं। ज्ञानमय भाव के द्वारा अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध है। समझ गई बात? अभाव रूप होते हैं, मैंने यहां मूलाद्वेश के परिणाम नहीं हुए तो नवीन आश्रय होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, अभाव रूप है, होते हैं, क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते। क्या कहा? परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते। ये क्या बात है भैया, थोड़ा सा अपन लिंक कनेक्ट करके समझते हैं। 47 नयो, इसको पढ़ा होगा आपने, 47 शक्तियां और नयो, नये के अंदर भी प्रकरण है 47 नये में, वहां पर दो विरोधी धर्मों को एक साथ बताया 47 नये के अंदर, माने नये दो एक साथ बताए। जैसे देखो, जैसे अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति ऐसा है ना, दो विरोधी है, अस्ति नास्ति, एक अनेक, तो इस तरह के जो धर्म होते हैं युगल, वो साथ साथ रहते हैं, वहां तो वो साथ साथ रहते हैं, वहां तो उसका निषेध नहीं है क्योंकि वहां पर तो धर्मों की चर्चा है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते। वहां तो उसका प्रयोजन है, जरूरी है। डॉक्टर साहब ने एक दृष्टांत दिया नए चक्र के अंदर कि दो भाई, एक भाई माल खरीदता है, एक भाई माल बेचता है, दोनों काम चलते रहते हैं, दुकान में कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं होता। भाई भाई में कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं होता, क्योंकि वहां तो जरूरी है, वहां पर सह अवस्थान निरोध नहीं आएगा, सह माने साथ साथ रहने में निरोध नहीं आएगा। राजवार्तिक के अंदर 8 प्रकार के निरोध की चर्चा आई है। राजवार्तिक किसका है? अगलंग देव का। तो वहां पर 8 प्रकार के निरोध होता है। अब सब तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन अपन काम की बात समझे तो सिंपल वे से देखे तो चूहा और बिल्ली साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। सांप और नेवला और पीपल और लाख का तो सबको पता है, वहां पर एक बद्य घातक विरोध की बात आई है, बद्य घातक की। तो ऐसे 8 प्रकार के हैं। कल मैंने बताया भी था कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो ऐसे ही यहां पर, जहां पर अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं, प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां अज्ञानमय भाव होंगे वहां ज्ञानमय भाव नहीं, ज्ञानमय भाव है वहां अज्ञानमय भाव नहीं। तो परस्पर, क्योंकि परस्पर विरोधी भाव एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अज्ञानमय भाव रूप राग द्वेष जो कि आश्रयभूत आश्रय स्वरूप है, उनका निरोध होने से ज्ञानी के आश्रय का निरोध होता ही है। ही लिखा, ही मतलब थायज ज ज, जिसको श्रीमद जी कहते थे एकांत, पर सम्यक एकांत, शक्कर मीठी ही होती है,
इसका मतलब क्या हुआ? अन्य रूप नहीं होती, खट्टी नहीं होती, खारी नहीं होती, मीठी ही होती है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता ही है। जिसको अपन कर्ता कर्म में वहां पर एक प्रकरण दिया, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। ऐसे यहां पर भी अपन देखे तो ज्ञानमय भाव से ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता है। सुनिए बात, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञानमय भाव होने से आश्रव का निरोध होता है। इसको अपन दृष्टांत से देखे, बड़े पंडित जी फरमाते हैं कि जो टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि जिसने तत्व ज्ञान यथार्थ रूप से किया है उसको ये प्रथमान योग के ग्रंथ दृष्टांत रूप भाषित होते हैं। तो बड़े पंडित जी ऐसा बताते हैं, तो अपन इसको प्रथमान योग की शैली में देखे तो क्या अज्ञानमय भाव था, मैंने यहां पर जो शब्द लिया उसको समझा रहे, ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता ही है, पर जब तक ज्ञानी नहीं हुआ तब तक क्या होगा? आश्रव होगा, और ज्ञान होने पर क्या होगा? उसका निरोध। यहां पर शुरुआत से जो लिखा, ज्ञानमय भाव के द्वारा अज्ञानमय भावों का क्या होता है? अवश्य निरुद्ध है। इसको भी एक साथ ही समझा रहे, दोनों को लिंक कर रहे हैं। ज्ञानी के ज्ञानमय भावों से ही अज्ञानमय भाव अवश्य ही निरुद्ध है, और ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता ही है। पहले तो ऊपर कारण और फिर इधर कार्य बताया कि उसके ये निरोध होता ही है। तो कैसे होता है? जैसे देशभूषण कुलभूषण विद्या अर्जन करके पुनः अपने राज्य को लौटे और अपने राजमहल में पहुंचे तो वहां पर खूब उनका जोर शोर से स्वागत होना था। अब स्वागत हो रहा था, सब बढ़िया हो रहा था। अब झरोखे से एक कन्या उनको हर्षित होकर के निहार रही थी। अब यहां पर उनको अज्ञानमय भाव था क्योंकि बचपन में ही वो विद्या अर्जन करने के लिए कहां चले गए थे? कहां गए थे? गुरुकुल, वहां पर पढ़ने के लिए चले गए थे। अब पता नहीं, क्योंकि राजा के कितनी रानियां होती है, कितने बच्चे होते हैं, उसका तो हिसाब किताब पंडित जी ने भी बताया था, 96,000 रानी और इतने साले और सब हिसाब है। अब उनको पता नहीं कि ये मेरी बहन है। अब झरोखे से वो निहार रही थी, उनको भी पता है कि हमारे भ्राताश्री आने वाले हैं, तो वो भी वहां पर हर्षित होकर के निहार रही थी, कहाँ है, कौन है, उसको भी जिज्ञासा हो रही थी। तो उन दोनों भाइयों ने देखा उस कन्या को, नाम था उसका कमला, वो निहारा तो उनको उसके प्रति अज्ञानमय भाव के कारण राग भाव उत्पन्न हुआ। तो दोनों भाई, एक देशभूषण ने कहा कुलभूषण से, मैं इससे विवाह करूंगा, वो कहने लगा मैं इससे विवाह करूंगा। अब दोनों को अज्ञानमय भावों के कारण क्या हुआ? दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। अब जैसे ही समझो कोई मंत्री ने या किसी ने उनको ज्ञान कराया कि भैया आप किस लिए झगड़ रहे हो, बोले वो वहां पर एक कन्या है जो देखो झरोखे में, उसके लिए हम चाहते हैं हमसे शादी हो, ये चाहता है उनसे शादी हो, कि भाई कैसी बात करते हो, वो तो आपकी सगी बहन है। अब जैसे ही उनको ज्ञानमय भाव हुआ, माने ज्ञान हुआ कि ये तो मेरी सगी बहन है, अब बताओ क्या होगा, कितना राग होगा, कितना नए विकल्प होंगे, नवीन आश्रव खड़े होंगे। कि जैसे ही जाना, ज्ञान लिखा ना, कहां गई लाइन, ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता ही है। कब होगा? कि ज्ञानमय भावों से ही अज्ञानमय भावों का, जैसे ही ज्ञान हुआ ये तो मेरी सगी बहन है, तो ऐसा जानने पर सारा राग जो पहले विकल्प अज्ञानमय भाव हो रहे थे कहां गए? सब दूर हो गए। तो ज्ञानी के आश्रव का निरोध होता ही है। समझाई बात? कल थोड़ा जल्दी ले लिया था, 10 मिनट बाकी थी तो हमने टीका पढ़ ली थी, लेकिन हमारा पेट नहीं भरा तो फिर से खोल रहे। इसलिए ज्ञानी आश्रम जिनका निमित्त है, ऐसे ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों को नहीं बांधता। आश्रव जिनका निमित्त है माने कि मोह राग द्वेष से नए आश्रव अर्थात द्रव्य आश्रव पुद्गल कर्म बंधते हैं, तो ज्ञानी को ज्ञानमय भाव होने से वो नवीन आश्रव नहीं करता, और उनको ज्ञानमय भाव है इसलिए नवीन आश्रव उत्पन्न ही नहीं होते। अब उत्पन्न ही नहीं होते तो पुद्गल कर्मों को नहीं बांधता। सदा अकर्तत्व होने से नवीन कर्मों को न बांधता हुआ
देखो कैसा अपने आप को अनुभव कर रहा है, अकर्ता। सब पहले किसकी चर्चा हुई थी, प्रकर्ता, कि जो अपने को अकर्ता अनुभव करते हैं वही प्रकर्ता होते। तो अकर्ता अनुभव कर रहा है, मात्र ज्ञाता रूप अनुभव कर रहा है, तो क्या होता है कि ज्ञाता रूप अनुभव करने पर, अकर्ता रूप अनुभव करने पर नवीन कर्मों को नहीं बांधता। पुराना जो अकाउंट है, पुराने जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है वो तो भले ही रहे, पूर्व में जो बंधे हैं उनका तो मात्र ज्ञाता है। देखो कल जो दृष्टांत दिया था फिर से याद दिलाते, हिंट करते हैं, स्मारक के विद्यार्थी की बात की थी, तो 5 साल पढ़ने के बाद वो अन्य देवी देवताओं की जयकार लगाने लग गया। फिर क्या कहा, मैं तो पहले ऐसा था, मैंने पहले ऐसा था मतलब अभी ऐसा नहीं हूं, पर पूर्व में जो भी घटित हुआ उसका तो मैं ज्ञाता ही हूं। नवीन कर्मों को न बांधता हुआ सत्ता में रहे हुए पूर्वबद्ध कर्मों को स्वयं ज्ञान स्वभाववान होने से, स्वभाव कैसा है, ज्ञान स्वभाववान, किसका किसका, कि भैया ज्ञानी हो के अज्ञानी हो दोनों का स्वभाव तो ज्ञान स्वभाववान है। ज्ञानी अपने को ज्ञान स्वभाववान अनुभव करता है इसलिए वो ज्ञानी, और जो अपने को ज्ञान स्वभाव रूप अनुभव नहीं करे वो अज्ञानी। वस्तु तो वस्तु है, अब जैसी मानो, हीरा मानो कि कांच मानो, वस्तु में कुछ फर्क पड़ेगा? 1 करोड़ के हीरे को कोई कांच समझे और कोई कांच कहे आपको मालूम है मेरा 1 करोड़ का हीरा है, अरे ये तो कांच है। जैसे गरीब महिला जैसे तैसे पैसे जोड़ करके एक सोने का हार खरीदे तो करोड़पति महिला कैसे देखेगी, बेंटेक्स का होगा उसके पास कहां होगा। अब बेंटेक्स का गरीब की महिला को कोई कहे तो क्या फर्क पड़ेगा उस सोने के हार में, नहीं पड़ेगा फर्क। क्या कह रहे हैं, स्वयं ज्ञान स्वभाववान होने से मात्र जानता ही है, क्या करता है, जानता ही है, मैं तो ज्ञाता हूं, ऐसे अपने आप को मात्र ज्ञाता ही अनुभव करता है। पहली ढाल पढ़ो और पहली ढाल के अंदर किसका वर्णन है, 4 गति के दुख का वर्णन। उस वर्णन को पढ़ करके आप प्रसन्नता से पढ़ते हो कि दुखी होकर के पढ़ते हो, पंडित जी ने भी बताया था कि इस तरह से उसका वर्णन होता है कि बक्का भी रुला करके पढ़ाए और श्रोता भी, सही बात है अपन ऐसे ऐसे दुख भोगे, ऐसे ऐसे दुख भोगे, 4 गति में ऐसे ऐसे दुख भोगे। अरे यहां कह रहे ठीक है इतना जो कहा सही बात है हुआ है, लेकिन मैं उसका ज्ञाता ही हूं। दोपहर में अमित भैया ने भी लिया था, तेरा 1 भी गुण में स्क्रैच नहीं आया, तेरे गुण में कमी नहीं, स्क्रैच भी नहीं आया, तू तो जीव का त्यो सुरक्षित है। सदा ही है न होता है न जिसमें कुछ भी होता है, कुछ भी नहीं होता। अब मानते क्या है कि हुआ हुआ मानते हैं, ये अज्ञानता, और यहां कह रहे तेरे में कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या है, मात्र जानता ही है, ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है। क्या कहा, ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है। कल हमने एक दूसरा वर्ड दिया था, ज्ञानी का जीवन ज्ञान में, ज्ञानी की स्वाध्याय ज्ञानी की पूजा और अज्ञानी की पूजा, क्या कह रहे हो, अज्ञानी की पूजा अज्ञान में, अज्ञानी की तीर्थ यात्रा अज्ञान में, क्यों क्यों, क्योंकि अज्ञानी मानता ही है कि मैंने पूजा की, मैंने विधान किया, मैंने तीर्थ यात्रा की, इसलिए उसके अज्ञान में, और ज्ञानी अपने आप को प्रत्येक क्रिया में ज्ञायक रूप अनुभव करता है। अब यहां पर क्यों आए हो, देवलाली में क्यों आए हो, देवलाली में कि भाई चलो घर में वैसे ही क्या करें, थोड़ा सा फ्रेश होके आते, 8 दिन रहेंगे, सास यहां पर आ गई तो सोचे बहू से रोज कटकट होती है, तो 8 दिन के लिए शांति, उसको भी शांति अपने को भी शांति। बोलो क्यों आए हो, हाँ स्वभाव समझने के लिए, स्वभाव समझने के लिए आए हो, विधान करने आए हो कि नहीं आए, पूजा करने आए हो कि नहीं आए, स्वाध्याय करने आए हो कि नहीं आए। अरे हरेक षटावश्यक में अनुष्ठान में हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए,
ज्ञायक रस के रसिया ज्ञायक रस लेने आए हैं, पूजा का तो किया बहाना स्वाध्याय का तो किया बहाना ज्ञायक रस लेने आए हैं। ज्ञायक हर एक क्रिया में हर एक अनुष्ठान में पूजा स्वाध्याय में एक ज्ञायक को उर्ध्व। स्वामी जी कहते थे ज्ञायक ने सदा उर्ध्व राज्य, बाकी पदु कौन पर ज्ञायक ने उर्ध्व राज्य। क्या कह रहे ज्ञानी के ज्ञान ही स्वभाव है कर्तत्व नहीं है। क्या कह रहे हैं कर्तत्व नहीं है, यदि कर्तत्व हो तो कर्म को बांधे। क्या कह रहे हैं कौन बांधे ज्ञानी, ज्ञानी के देखो ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है कर्तत्व नहीं है, यदि कर्तत्व हो तो कर्म को बांधे। कर्म को बांधे ज्ञातत्व होने से कर्म बंद नहीं करता, ज्ञातत्व होने से कर्म बंद नहीं करता। अगर कर्तत्व हो तो कर्म को बांधे। अब भावार्थ पढ़ते समझ में आया कि नहीं आया, समझाणू का है। ज्ञानी के अज्ञान में भाव नहीं होते, ये जयचंद जी साहब बता रहे, और अज्ञानमय भाव ने होने से न होने से, अच्छा ये प्रिंट मिस्टेक है, अज्ञानमय भाव न होने से अज्ञानमय राग द्वेष मोह अर्थात आश्रम नहीं होते, और आश्रम न होने से नवीन बंध नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता, और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है। सत्ता में पड़े हुए कर्म बांधे किसने हैं, बांधे किसने है भाई के बंदे होंगे, लेकिन मैं तो उसका ज्ञाता ही, मैं अज्ञान दशा विषेक ये अनंतोपात, लेकिन मैं उसका ज्ञाता हूं कर्ता नहीं हूं। पहले मैं मान रहा था कर्ता, लेकिन अब तो समझ में आया मैं कर्ता नहीं हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। आश्रम न होने से नवीन बंध नहीं होता, इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता, और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है। अविरत सम्यक दृष्टि के भी अज्ञानमय भाव राग द्वेष मोह नहीं होता। अविरत माने कौन सा गुणस्थान, चौथा, उसको भी अज्ञानमय राग द्वेष मोह नहीं होता। जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञान के पक्ष में माना जाता है। किसके सहित, मिथ्यात्व के सहित हो वही अज्ञानमय भाव है माना जाता है। सम्यक्त्व सहित रागादि अज्ञान के पक्ष में नहीं है। दो बातें बताई, एक तो देखो सम्यक दृष्टि, जो अविरत सम्यक दृष्टि की बात की वो तो अपने को ज्ञाता अनुभव करता है, और अज्ञानमय राग द्वेष भाव उसको नहीं होता। अज्ञानमय भाव माने बोलो, अगर देखो ना क्या लिखा है, अज्ञानमय भाव माने मिथ्यात्व सहित का, तो मिथ्यात्व सहित का अविरत सम्यक दृष्टि को नहीं होता, तो उसको क्या कहा कि वो राग द्वेष वो नहीं होता, तो वो अज्ञान के पक्ष में नहीं आएगा, बराबर। और सम्यक्त्व सहित रागादि अज्ञान के पक्ष में नहीं आएगा, सम्यक्त्व सहित है वो अज्ञान के पक्ष में नहीं आएगा, और मिथ्यात्व सहित होगा वो अज्ञान के पक्ष में आएगा, अज्ञान के पक्ष में नहीं है। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है। कैसा होता है, ज्ञानमय परिणमन होता है, उसको आश्रव नया, पीछे वाले सम्यक दृष्टि को नया आश्रव, भोजन किया है कि नहीं किया है, सम्यक दृष्टि को नया आश्रव नहीं होता। अभी पुराण में देख रहे थे जटायु पक्षी का नाम सुना है, अब जटायु पक्षी आहार दान का प्रसंग चल रहा था, रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण जी आहार दे रहे थे, और उस समय जटायु पक्षी को
आहार का प्रसंग देख करके मुनिराज को देख करके जाति स्मरण ज्ञान हुआ, आंखों से अश्रुधारा हुई और मुनिराज को देख करके सम्यक दर्शन हो गया, देख करके सम्यक दर्शन हो गया, उपदेश नहीं सुना क्योंकि तब तो आहार की चर्या चल रही थी। और जैसे ही आहार संपन्न हुआ उड़ करके आया, उनके चरणों में अश्रुधारा के साथ लोटपोट हो गया जटायु पक्षी। अब बताओ उसको आश्रय होगा कि नहीं होगा, हालांकि पता होगा सबको वो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक बन गया था पक्षी। बोलो हम इतने इतने शास्त्र पढ़ रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, शिविर अटेंड कर रहे हैं और उसने मुनिराज की मुद्रा देखी पंचम गुणस्थान, इसका मतलब क्या है? शास्त्र भी ज्ञान ना था, ज्ञान थी ज्ञान था उसको भी, ज्ञान जो हुआ किससे हुआ? अपने ज्ञान से, अपने गायक की महिमा आई। पक्षी हुआ श्रावक महिमा गायक की आई, श्रद्धो भाव ध्याओ गायक परमानंद दाई, श्रद्धो भाव ध्याओ गायक परमानंद आई। कि जैसे वो पक्षी श्रावक हो गया, पंचम गुणस्थानवर्ती हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, तो किसके बल पर? गायक के बल पर। और उसको अभी आश्रय होगा कि नहीं होगा? पारसनाथ भगवान का जीव हाथी की पर्याय में, उसको आश्रय होगा कि नहीं होगा? पर वो तो पशु है, पशु नहीं परमात्मा हो गया, अब तो अपने आप को परमात्मा देखने अनुभव करने लग गया। बाहर से पशु भले ही दिख रहा हो, बुद्धिपूर्वक पशु दिख रहा है, पंडित जी का टॉपिक चल रहा है, बुद्धिपूर्वक देखे तो पशु दिख रहा है लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से देखो तो ज्ञानी हो गया। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? अविरत सम्यक दृष्टि, ये बात होगा ज्ञान के पक्ष में नहीं, सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञान में परिणमन ही होता है, उसको चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से जो रागादि होता है उसका स्वामित्व उसके नहीं है। क्या कह रहे हैं? चारित्र मोह के उदय में सम्यक दृष्टि को भी राग का उदय आता है तो राग भाव दिखाई देते हैं, चारित्र मोह के उदय में उसको भी पूजा करने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, भूमि का अनुसार उसको भी आता है लेकिन उसका स्वामीपना नहीं है, उसको तो ज्ञातापना है, कर्तापना नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं? वह रागादि को रोग समान जानकर प्रवत्ता है। कैसे जानता है? रोग समान। उसको ज्ञानी के ये जो चारित्र का उदय आया, जैसे 96,000 रानियां उदय में आई ज्ञानी के, अब उदय में आई तो कैसा जानता है? आनंद नहीं जान, आनंद नहीं मानता। ज्ञानी भोगों को भोगते हुए भी भोगता नहीं है, सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता सेवक बने, प्रकरण तनी चेष्टा करे पर प्राकरणिक वह नहीं बने, मात्र ज्ञाता बने। तंदुल मचका और ये सब दृष्टांत पंडित जी ने दिया था। तो रागादि को रोग समान जानकर प्रवत्ता है और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। किसको काटता जाता है? किसको? रागादि भावों को। और किसके द्वारा? ज्ञानमय भावों के द्वारा। तो दर्शन मोह का तो ज्ञानी को अभाव हो गया, अब चारित्र मोह का अभाव करने के लिए क्या करेगा? किसके पास जाना पड़ेगा? कि जिस भाव से उसने अज्ञानमय राग द्वेष भावों का अभाव किया, उसी ज्ञान से ये चारित्र मोह संबंधी राग है उसका भी अभाव करेगा, उसको काटता जाता है। भला नहीं जानता, उसको भिन्न जानता है, उपादेय नहीं जानता, उसको दृष्टि में तो हे जानता है लेकिन जब तक शुद्ध उपयोग में नहीं है तब तक षटकर्माणी दिने दिने होता है और होने को वो जानता ही है, करता नहीं है। इसलिए ज्ञानी के जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान है। क्या कहा? विद्यमान होने पर भी अविद्यमान है। विद्यमान होने पर भी अविद्यमान है, जैसे असद का अर्थ किया था ना, राग है तो सही लेकिन दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता ज्ञानी को। एक मैंने दृष्टांत दिया था अष्टानिका के पहले दिया था, अपनी जो गाथा चली थी उसी को ये हिंट कर देता हूं आपको।
शादी है, शादी के अंदर बारात आई, अब बारात के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, जो पहले श्रोता थे उनको याद होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस बारात में आए हैं, बराबर। अब कन्या जैसे ही बारात की आवाज सुनेगी और बालकनी में आएगी, अब बालकनी में बड़े बड़े सेलिब्रिटी नरेंद्र मोदी, बिल क्लिंटन, अंबानी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान सब है उस बारात के अंदर और सब कर रहे हैं। अब वो कन्या आई तो वो किसको देखेगी? बोलो बोलो बोलो, खगड़ी ने बोलो, किसको देखेगी? वर को देखेगी। अब ये सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां विद्यमान है कि नहीं है? विद्यमान होने पर भी, क्या लिखा है देखो, विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो वर पे है, ऐसे ज्ञानी की दृष्टि तो गैप में है, राधा भी होने पर भी नहीं दिखता। जिसको जिसकी रुचि होती है, जिसको जिसकी रुचि नहीं होती, उल्टा बोले, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ही वो दिखता, और जिसकी रुचि नहीं होती वो होने पर भी नहीं दिखता। ऐसा है ज्ञानी को, राग होने पर भी दिखता नहीं, क्यों? स्वामी बना नहीं है। वह आगामी सामान्य संसार का बंध नहीं करता, सामान्य संसार माने कि जो अनंत संसार का कारण था वैसा बंध नहीं करता, फिर क्या कह रहे हैं, नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद करता है। अल्प स्थिति माने अब सम्यक दृष्टि हुआ, ज्ञानी हो गया, अब उसका संसार कितना रह गया? चुल्लू भर, सुना होगा आपने, अब अनंत संसार से कितना हो गया कि चुल्लू भर रह गया, थोड़ा रह गया, अल्प स्थिति वाला रह गया। जिसको कर्णा ने उससे कहे तो एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो कितने कितने सागर तक रहेगा संसार में? अर्ध पुद्गल परावर्तन तक रहेगा मैक्सिमम, काम तो जल्दी कर देगा। तो अल्प स्थिति अनुभव वाला बंद करता है, ऐसे बंद अल्प बंद को यहां नहीं गिना, कि ऐसे अल्प बंद को, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, ऐसे अल्प बंद को माने बात क्या हुई कि ज्ञानी के बंद नहीं होता, एक बात, तो कैसा बंद नहीं होता, कैसा आश्रम नहीं होता, कि जो अनंत संसार की संतति चल रही थी, अनंत संसार चल रहा था वैसा नहीं होता, तो फिर कैसा होता है? मैंने कल बताया था फ्रैक्चर हुआ था मेरे को, तो सब खबर पूछने आते थे मेरी, भैया आपको दर्द कैसा है, तो मैंने कहा पहले वैसा नहीं। इसका उत्तर क्या हुआ कि अभी दर्द तो है लेकिन पहले जैसा नहीं। ऐसे ज्ञानी को बंद तो होता है लेकिन पहले जैसा अनंत संसार का कारण बने वैसा नहीं होता, अब अल्प बंद होता है। अब अल्प बंद को यहां कह रहे हैं, ऐसे अल्प बंद को यहां नहीं गिना है। इस प्रकार ज्ञानी के आश्रम न होने से बंद नहीं होता। अब इसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं, ऐसे अल्प बंद को यहां नहीं गिना, बंद है कि नहीं है। अब आगम ग्रंथों में पूछो तो वहां पर कहेंगे बराबर बंद हो रहा है आगम ग्रंथ वाले, लेकिन ये अध्यात्म ग्रंथ में कह रहे बंद ही नहीं होता, ये अध्यात्म ग्रंथ की शैली, यहां दिखता ही नहीं वो बंद, इसको गिना ही नहीं। जैसे महेश भाई 1 करोड़ रुपए मैंने आपसे लिए, कितने? 1 करोड़। अब मैंने 99,99,000 आपको चुका दिए, अब आपसे स्कूल में पूछे वो निखिल भैया के पैसे बाकी है, बाकी से क्या हुआ, पैसे दे दिए कि नहीं दे दिए? महेश भाई कह रहे दे दिए। मैंने कितने कहे? 99,99,000 मैंने दे दिए, अभी 1,000 बाकी है, अब बाकी कहो सूरज भाई को, कहने नहीं अभी बाकी नहीं है, लेकिन अकाउंट की बुक्स ऑफ एंट्री क्या बोलेगी? 1,000 बाकी है, लेकिन वर्बली कोई पूछे तो दृष्टि में आपके क्या है, बाकी है कि अरे पूरा हो गया? अब 1,000 को कौन गिनता है? ऐसे जिसको अनंत संसार का बंद हो रहा था वो बंद रुक करके अब अल्प बंद माने अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद हो रहा है, उसको यहां पर नहीं गिना। इसलिए इस प्रकार ज्ञानी के आश्रम न होने से बंद नहीं होता। इस प्रकार अपन ने 104
66 नंबर की गाथा पर स्वाध्याय किया। अब आगे की गाथा पर आ जाए। अब आगे क्या कहते हैं, आगे अपने पास थोड़ा समय है तो अपन इसको भी पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर है, क्योंकि अपने को चाहते अपन आगे तक का थोड़ा विषय वस्तु हो तो मजा आएगा। अब राग द्वेष मोह ही आश्रव है ऐसा नियम करते हैं। कौन है आश्रव? क्योंकि अब तक आचार्य देव ने समझा दिया पुराने कर्म है, वो नए आश्रव के निमित्त ऐसा कहा उपचार से, लेकिन वास्तव में मूल आश्रव तो वर्तमान के मोह राग द्वेष के परिणाम ही है। पर यहां पूर्व जो गाथा चली उस गाथा में तो क्या बताया कि ज्ञानी को आश्रव ही नहीं होता। अब वास्तव में आश्रव है क्या, जो अपन ने चर्चा की उसी को आगे बढ़ा रहे। गाथा का पाठ करते हैं, मिल गई गाथा 167 नंबर की गाथा, गाथा ही हिंदी में, हिंदी में रागादी युत जो भावे जीव कृत उसे ही को बंधक कहा। रागादी से प्रवि मुक्त ज्ञायक मात्र बंधक नहीं रहा। क्या कह रहे हैं, जीव कृत रागादी युक्त भाव बंधक अर्थात नवीन कर्मों का बंद करने वाला कहा गया है। रागादि से रहित भाव बंधक नहीं है, वह मात्र ज्ञायक ही है। अब ज्ञानी को राग है कि नहीं है, ज्ञानी को राग है कि नहीं है, चारित्र मोह वाला है, लेकिन यहां पर उसको नहीं गिना। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि रागादि युक्त भाव जो है वो बंधक कहे हैं, नवीन कर्मों का बंद करने वाला कहा है, और रागादि से रहित भाव बंधक नहीं है, वह मात्र ज्ञायक ही है। तो रागादि से रहित भाव मतलब ज्ञानी को है कि नहीं है, रागादि से रहित भाव ज्ञानी को है कि नहीं है कि अज्ञानी को है? ज्ञानी को रागादि से रहित भाव है, पर कौन से? अज्ञान में। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि आगे यही बात चलेगी। ज्ञानी को राग नहीं है तो कौन सा नहीं है? दर्शन मोह संबंधी, माने इसको यहां पर अज्ञानमय भाव का, अज्ञानमय जो राग है वो नहीं है, उसका जो राग है, क्योंकि बोला ना ज्ञानी के भाव ज्ञानमय, ज्ञानी का राग भी ज्ञानमय, लेकिन चारित्र मोह संबंधी ज्ञान जो है राग है उसको यहां पर नहीं गिना। क्यों? देखो अब उसको नवीन आश्रव क्यों नहीं होता, एक दृष्टांत देकर के बाद आगे बढ़ते हैं। क्या नाम भाई आपका? श्रीपाल भाई। आदमी बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है, आपका प्रश्न है, आपको प्रश्न है, बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? बोलो भाई, दो ऑप्शन है, वो आप जानो। अपने को तो बंदूक है, बंदूक से मरता है कि गोली से मरता है? अरे वो अभी नहीं लेना, किसी से भी नहीं कि आत्मा मरता नहीं, वो डूबे में अमित भैया की क्लास होगी वहां पर बताना, या तो दृष्टांत। क्या बोल रहे हैं? गोली से। अब एक काम करे अपन, उसको बंदूक को खोले और गोली ऐसा फेंके, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो फिर बंदूक से, अब बंदूक के अंदर से गोलियां निकाल दो फिर तानो, मरेगा कि नहीं मरेगा? ये बंदूक से भी नहीं मरता, गोली से भी नहीं मरता, लेकिन उसका जो फोर्स 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 इसको कहते हैं ना, फोर्स से मरता है। अब अज्ञानी के ये फोर्स है जो अनंत संसार का कारण बने, अनंत संसार का कारण बने, माने अनंतानुबंधी राग वाला फोर्स है अज्ञानी को, तो उसको नए आश्रय होता है। अब ज्ञानी के वो फोर्स ही खत्म हो गया है तो नए आश्रय भी नहीं होते, फोर्स खत्म जो अज्ञान वाला था वो। देखो अब 5 मिनट है तो हो जाएगा, अब दृष्टांत देखते हैं फिर आगे और चर्चा करेंगे। टीका, जैसे लोह चुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है, उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ अज्ञानमय भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अब यहां पर दृष्टांत किस चीज का लिया? लोह चुंबक, और साथ में क्या ली? सुई।
अब जब जब समय सार जी का स्वाध्याय यहां पर होता था सोनगढ़ के अंदर, तो सोनगढ़ में जो दृष्टांत आने वाला है आगे की गाथा में, तो ये आप लोग जानते हो कि श्रीचंद जी ब्रह्मचारी जी तो गुरुदेव जी के गुरुदेव श्री के पास पहुंच जाते थे, साहेब आ दृष्टांत आवानु से आ रीते बताओ जो, तो ऐसे मैं भी थोड़ा लेके आया हूं। दृष्टांत क्या है? लोचुंबक और सुई। अब इसमें क्या बताना है? लोहे की सुई है और मैग्नेट है, दिख रहा है? अब लोहे की सुई और मैग्नेट दूर दूर है, बराबर दूर दूर है, तो नो प्रॉब्लम, इससे आश्रव नहीं होगा, नया बंध नहीं होगा। अब ये सुई स्वयं मैग्नेट के पास जाने के लिए प्रेरित होगी, स्वयं उस तरफ जाएगी, इसके निकट जाएगी। देखो ये सुई और मैग्नेट, जैसे ही वो उसके निकट जाएगी तो वो उसको खींचने में निमित्त बनेगी। गलती किसकी है? सुई है, मैग्नेट है, नो प्रॉब्लम। आचार्य देव देखो दृष्टांत भी कैसे देते हैं, जो मैंने ऐसा नहीं कि 2000 वर्ष पहले दृष्टांत दिया तो 2000 वर्ष बाद सुई भी गायब हो जाए और मैग्नेट भी गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी दृष्टांत होते आगे तक रहते। अब सुई और मैग्नेट यहां पर लिखा है, लोचुंबक पाषाण के साथ संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। ये मैग्नेट और ये सुई यदि इस मैग्नेट के निकट जाएगी तो क्या हुआ? गति करने के लिए प्रेरित। निकट जाएगी तो ऐसे निकट जाएगी तो गति करने के लिए प्रेरित करता है। ये तो हो गया दृष्टांत, गति करने के लिए प्रेरित करता है। उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित होने से आत्मा में उत्पन्न हुआ भाव अज्ञानमय भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। अज्ञानमय भाव है तो राग द्वेष उत्पन्न हुए, और उत्पन्न हुए तो क्या हुआ? नवीन आश्रव किसको होता है? अज्ञानी को। तो अज्ञानी को वो नवीन आश्रव का निमित्त बनता है। यहां मोह राग द्वेष के परिणाम है तो नए आश्रव का निमित्त बनेगा, अगर परिणाम नहीं है तो अगर सुई मैग्नेट के पास जाए ही नहीं तो चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? उसको गति करने के लिए प्रेरित करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी। ऐसे ही यहां पर ये आत्मा मोह राग द्वेष करे तो नवीन आश्रव का निमित्त बने, और नहीं करे तो जैसे ब्रह्मचारी बहन को कोई 2 लाख रुपए का, 2 लाख का ही बंडल होगा ना आजकल, 2000 का बंडल कितना हुआ? 2 लाख। ब्रह्मचारी बहन को कोई 2 लाख का बंडल दे दे और मॉल में छोड़ दे तो क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, 1 घंटे बाद वो ब्रह्मचारी बहन बाहर आए तो कितने पैसे बचे होंगे? कितने बचे होंगे? 2 लाख। और कोई अभी नई नई शादी हुई हो या कोई भी महिला एक्स वाई जेड, क्योंकि सबकी तो परिणति एक सी होती है, अब वो 2 लाख रुपए माने 2000 का बंडल लेके मॉल में जाए, माने रागी महिला जिसको सोना चांदी कपड़ा और ऐसे जितने भी अंदर में डिजायर है, वो 2 लाख का बंडल लेकर के मॉल में जाए तो क्या होगा? 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बाहर आएगी तो कितने बचेंगे? नाना आना चाहे 2 लाख का बंडल लेके गई हो तो कुछ पैसे और देने बाकी रहेंगे, वो विश्वास करेगा बहन इतना माल लेके गए हो तो और भी वापस देंगे, आपके घर पे पहुंचा दूंगा बहन, और पैसा उसका बैलेंस रहेगा कि और चीज का पैसा देना बाकी है। क्यों? राग सहित। और ब्रह्मचारी बहन को राग ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं, क्या लेना? राग सहित मॉल में जाए तो कितनी चीजें। ऐसे यहां पर शैलेश भाई तलोद वाले, मैंने बचपन में उनसे दृष्टांत सुना था, लेकिन जब स्वाध्याय हुआ समय सार का तब समझ में आया कि यहां वो दृष्टांत आया है। दृष्टांत देते थे ये जगत में 500 मेगावाट का मैग्नेट है। कितने? 500 मेगावाट का मैग्नेट है, 5 इंद्री के विषयों का 500 मेगावाट। और ये सुई कहां गई? ये सुई, इतनी सी सुई माने आत्मा। अब ये आत्मा ये 500 मेगावाट मैग्नेट के सामने नहीं खींचा है, किस आत्मा को कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा? समझ मेरी बात? क्योंकि गलती तो इसकी है कि ये इसके निकट जाता है तो उसको गति करने के लिए प्रेरित करता है,
ये आत्मा को पुरुषार्थ करना है, वो पांच इंद्रिय के विषय तो उसकी जगह पे है, वो जबरन किसी को राग नहीं कराते। इसके लिए चर्चा अपन लेंगे, सर्वविशिष्ट ज्ञान अधिकार चल रहा था ना, उसमें भी बहुत चर्चा है। अभी यहां समय तो हो गया अपना, दृष्टांत तो समझ में आया स्वीकार। अब अपन आत्मा में घटित करेंगे कि आत्मा मोराग विष करे तो नए आश्रय का निमित्त बनेगा और नहीं करे तो नहीं बनेगा। और वास्तविक आश्रय कौन से बताए, राग वेश मोह ही आश्रय है, ऐसा नियम है। अब इसकी आगे की चर्चा जानने के लिए देखिए।